पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व सांसद सर्वे सिंह ने छात्राओं को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई। एक साथ तमाम छात्र छात्राएं सत्यम सिनेमा पहुंचे। इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया गया है। पूर्व सांसद ने कहा कि इस फिल्म से लोगों को सबक लेना चाहिए। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी चल रहा है। एक तबका इस फिल्म का विरोध भी कर रहा है, वहीं भाजपा इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। तो वहीं सत्यम सिनेमा में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और महिलाएं इस फिल्म को देखने पहुंची, तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता भी तमाम मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं का कहना था कि इस फिल्म से युवाओं को बहुत कुछ सीखना चाहिए और जिस तरह से लव जिहाद का शिकार युवतियों को बनाया जा रहा है, उससे बचने की प्रेरणा भी इस फिल्म से मिल रही है। नहीं, मैं तो मूवी पहले देख चुका। मैंने संडे को भी माताओं बहनों को, विशेषकर बच्चियों को, ये फिल्म दिखाई थी। संडे के दिन 12 वाला शो हमने पूरा बुक किया था। सीटें 224 हैं पिक्चर हॉल में। हमारी बहनें बच्चे करीब 300 पिक्चर देखने आए, तो 74-75 सीट हमने एक्स्ट्रा लगवाई थी। आज हमने बच्चों के मांग के ऊपर फिर दोबारा पूरा शो बुक किया है। अब देखिए कितने बच्चे आती हैं। क्या मकसद है इस तरह की मूवी दिखाते हैं? मकसद तो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, सभी जानते हैं मकसद तो केरला स्टोरी का क्या मकसद है। थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए आप, भाई बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए, विशेषकर पिक्चर था इसीलिए विशेषकर बच्चों को बहनों को दिखाई जा रही है ये पिक्चर। अच्छा, क्या लगता है कि अभी बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। मेरा नाम प्रभुश्री ठाकुर है। अच्छा। यहाँ पे माननीय सांसद जी द्वारा द केरला स्टोरी मूवी दिखाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। और यहाँ पे 300 से ज़्यादा लड़कियाँ आई हैं मूवी देखने, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं पिक्चर देखने के लिए। अच्छा, इस मूवी के बारे में सुना है आपने, क्या रहा है, कुछ जानकारी है? हाँ, ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो इसमें रियलिटी दिखाई गई है वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी से बेस्ड है, और जितनी सच्चाई दिखाई गई है उससे बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर भी हो रही हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। अच्छा, इस मूवी देखने के बाद में क्या लगता है कि बदलाव आया, बच्चों में बदलाव आया? हाँ, बदलाव तो बहुत आया है। बहुत सी लड़कियाँ जो लव जिहाद के जाल में फंस गई थी, उन्हें भी सच्चाई पता चली है, तो वो भी बाहर निकल के आई हैं लव जिहाद के जाल से, और जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनके जाल से बाहर निकल के आई हैं मूवी देखने के बाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।